नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ स्मिता निशान। वाराणसी में BHU में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता गया है। इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर पुलिस लाठी चार्ज से सियासत करने वालों के हाथ भी एक बड़ा मौका लग गया है। इस कड़ी में BHU में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के नेता ने शामिल होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कैंडल मार्च में शामिल होने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत वरिष्ठ नेता PL पुनिया, अजय राय और राजेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सभी को पुलिस लाइन ले गई है। ये सभी लोग गिरिद बाजार इलाके में छात्रों के साथ धरने पर बैठे थे, जबकि कल सोमवार को समाजवादी पार्टी का 8 स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के BHU जाने का कार्यक्रम भी है। हिंदू विश्वविद्यालय छावनी में तब्दील हो गया है। छात्राओं के शांतिपूर्व आंदोलन के बाद बीती रात जो हिंसक बवाल हुआ, उसके बाद हालात खराब होते चले गए। छात्राओं पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद तोड़फोड़ आगजनी हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल खाली कराने के आदेश भी दिए। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में PSC के साथ CRPF के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। BHU से संवाददाता सुशील कुमार तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद CRPF भी लगा दी गई। देख सकते हैं CRPF जवान खड़े हुए हैं और तमाम CRPF जवान पूरी यूनिवर्सिटी में फैले हुए हैं। पूरा छावनी में तब्दील है, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी हैं, PSC हैं, यहाँ तक कि CRPF के जवान हैं या तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि लड़कियों ने सुरक्षा की मांग की थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी सुरक्षा तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं जो पूरा जो यूनिवर्सिटी है ये सुरक्षा के हवाले कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, साथ में यहाँ PSC है, पुलिस है और लड़कियों का हॉस्टल खाली करा दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जवान मौजूद हैं और ये पूरा जो यूनिवर्सिटी परिसर है, हर जगह पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ रही है। ऐसे में साफ है कि लड़कियों का जिस तरह शांतिपूर्वक दो दिन आंदोलन चला, उसके बाद रात में हिंसक बवाल हुआ और साथ में जिस तरह लड़की से छेड़खानी की घटना हुई, उसमें कोई न्याय नहीं हुआ। यहाँ तक कि लड़कियों से हॉस्टल भी खाली कराया गया और यहाँ तक कि पुलिस इतनी लगा दी गई है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माहौल तो रह नहीं गया, सिर्फ यहाँ पर पुलिस या यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिख रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जो स्थितियाँ यहाँ की ठीक नहीं है। समय के लिए वाराणसी से कैमरामैन राम प्रवेश यादव के साथ सुशील कुमार तिवारी। और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BHU मामले में ट्वीट कर कहा है कि नारी रक्षा और गरिमा की बात करने वालों ने छात्राओं और प्रेस पर लाठीचार्ज कर ये साबित कर दिया है कि अब आवाज उठाने की आजादी भी छिन गई है। जी हाँ, जिस तरीके से ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हुई, इससे कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि सरकार की तो इसमें बैकफुट पर सरकार आती दिखी रही है, क्योंकि चारों तरफ से विपक्ष भी घेरने की कोशिश इस पूरे मुद्दे पर कर रही है और इस पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि शर्मनाक वाक्या किया गया है ये BHU प्रशासन की तरफ से। एक लड़कियों से डर कर जिस तरीके से लड़कियों को हॉस्टल खाली करने की बात कही गई, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील इस वक्त है। सुशील, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? सुशील, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इसमें नया हुआ है, अब तक क्या कुछ हुआ है, कितनी छात्राओं ने वो हॉस्टल खाली कर दिया है? लगभग 80% छात्राएं जा चुकी हैं, वो या तो ट्रेन से गई हैं या अपने दोस्तों के पास चली गई हैं। बहुत सी छात्राएं बहुत दूर दूर की थी, कोई कलकत्ता की थी, कोई हैदराबाद की थी, कोई जम्मू की थी। तो ऐसे में उन छात्राओं ने जो उनकी यहाँ पर सहपाठी जो लोकल लड़कियां उनकी दोस्त थी, उनके घर में जाकर शरण ली है। तो ऐसे में साफ कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है काफी बड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह BHU ने एक फरमान जारी किया है कि छात्राओं को बाहर निकाल दिया, ये बहुत ही खराब है। लड़कियां असुरक्षित हैं, क्योंकि ट्रेन से अगर जाती हैं बिना रिजर्वेशन के जाती हैं तो रास्ते में कोई घटना भी हो सकती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, एक बड़ा सवाल उठता है। और एक बात यह भी है कि छात्राएं बेहद ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह बार्डन जो कभी नहीं आती थी, सिर्फ झंडा फहराने हॉस्टल में आती थी, वो बार्डन कल रात से डटी हुई है और लगातार छात्राओं की मॉनिटरिंग कर रही है, उनसे मारपीट करके गंदा व्यवहार कर रही है, यहाँ तक कि उनके मोबाइल छीन ले रही है, उनसे मोबाइल से बात नहीं करने दे रही है, अगर वो कुछ वीडियो क्लिप बनाती है तो वो उनको रोक टोक रही है। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं पूरा माहौल खराब हो चुका है। जो BHU शिक्षा सियासी रंग भी ले लिया है सुशील इस पूरे माहौल ने, क्या अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं राज बब्बर और तमाम और कांग्रेस के नेता?
राज बब्बर जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ में पीएल पूनिया हैं और साथ में अजय राय जो पूर्व यहाँ के विधायक हैं, राजेश मिश्रा पूर्व सांसद हैं और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद सबको पुलिस लाइन ले जाया गया है। वहाँ लगभग 400 लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, सब पुलिस लाइन में रखे गए हैं। मेरी भी सीओ कैंट से बात हुई, उन्होंने बताया कि सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे में साफ कांग्रेस भी इस पूरे माहौल में कूद गई है और दूसरी बात है जिस तरह अखिलेश भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी। छात्राओं का जो आंदोलन था, शांतिप्रिय आंदोलन था, वो लगातार धरने पर बैठी थी, सिर्फ बीएचयू के बीसी से बात करना चाहती थी लेकिन बीसी साहब उनके बीच में नहीं आए। यहाँ तक कि वो अलग भी मिलना चाहती थी कि अगर वो कहीं बुलाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वहाँ बीसी साहब अपनी जिद पड़े रहे। तो कहीं ना कहीं गार्जियन की भूमिका में वो बिल्कुल नाकाम साबित हुए और जिस तरह पूरा माहौल गर्मा गया, ये माहौल गर्माता नहीं अगर बीसी साहब अपनी जिद पर नहीं अड़ते। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं छात्राओं की सुरक्षा में सवाल उठते हैं। बातें आज वो मीडिया पर आके कह रहे हैं, वो बातें अगर उनके सामने उनके बीच जाकर कह दिया होता तो इतना कुछ होता ही नहीं। लेकिन इस बीच अगर बात करें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, क्या मान के चले कल तक वो एक्शन लेंगे इस मामले में? बिल्कुल रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जो यहाँ का जिला प्रशासन है कहीं ना कहीं बीएचयू प्रशासन से मिला हुआ है, क्योंकि जब तक दो दिन यहाँ पर मोदी जी रहे तब तक इन लड़कियों के साथ तो ना कोई अभद्र व्यवहार हुआ, ना मारपीट हुई, ना इनको मारा गया। यहाँ तक कि जो पुरुष सिपाही थे, जो यहाँ की सिपाही जो मेल सिपाही थे, उन्होंने जम के इनको मारा पीटा है, जूतों से मारा है, तमाम इनके पैरों को कुचला है। तो ये लड़कियाँ काफी घायल हुई हैं। तो ऐसे में साफ है महिला पुलिसकर्मी इनके साथ में नहीं थी, जबकि महिला पुलिसकर्मी होना चाहिए था, इनसे धक्का मुक्की हुई है। तो ऐसे में साफ है पुलिस अगर कल या परसों तक या फिर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की तरफ से इस रिपोर्ट पे कोई जवाब नहीं आता, कोई एक्शन वो नहीं लेते या कुछ नहीं कहते, तो यही मानेंगे कि एक वीसी के आगे, एक वीसी की हरकतों के आगे नतमस्तक हो गई पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन। जिस तरह प्रशासन रिपोर्ट दे रहा है वो रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मोदी जी यहाँ पर मौजूद थे दो दिन, उस दौरान इन छात्राओं के साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं किया गया, उनके जाते ही मिसबिहेव किया गया और उनका रूट डाइवर्ट किया गया। ये कहीं ना कहीं जो सरकार के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के सीएम हो, इनकी आंखों तक, इनकी कानों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह बीसी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बयान देते हैं और बताते हैं कि अराजक तत्वों ने ऐसा किया है, जबकि छात्राएं उसमें शामिल थी। मेरी छात्राओं से खुद बात हुई, तमाम हॉस्टल की छात्राएं थी और इनको ये कह देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला इतनी दूर तक आ गया है, अब तो सबको पता है, पूरा देश जान चुका है कि बीएचयू में क्या कुछ हुआ है, क्या ऐसे में भी प्रशासन गुमराह कर पाएगा या गुमराह होने की यहाँ पर एक्टिंग चल रही है? बिल्कुल, यहाँ पर गुमराह करने का पूरा जिस तरह खेल चल रहा है शुरू से। पहले जिस तरह यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ, उन्होंने कहा ये लड़कियां यूनिवर्सिटी के हैं ही नहीं, जबकि वहां पर सैकड़ों लड़कियां बैठी थी, पूरे पूरे हॉस्टल खाली थे, सबको मालूम था। उसके बाद उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी की है, ये कम्युनिस्ट है, ये एनएसवाई की है, जबकि वहां पर छात्राओं ने किसी भी पार्टी को शामिल नहीं होने दिया, शांतिपूर्वक आंदोलन करती रही, सिर्फ वहां पर बैठी रही। यहां तक कि रात में अगर एम्बुलेंस भी निकली है तो एम्बुलेंस के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है, क्योंकि अंदर सर सुंदर लाल हॉस्पिटल है। तो ऐसे में छात्राओं ने पूरा सहयोग किया, उन्होंने उनकी एक ही मांग थी कि बीसी साहब हमारे बीच में आए, हमको सिर्फ एक आश्वासन दे दें। लेकिन बीसी साहब यही चाहते थे कि छात्राओं के साथ छेड़खानी चलती रहे, जो वहां पर मंच में लड़के हैं उनका ये धंधा चलता रहे, वो छेड़खानी करते रहे, चाहे वो छेड़खानी हिंसात्मक ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए वो उनके बीच नहीं आए और इसीलिए ये बात इतनी आगे तक बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि आखिरकार सरकार कहां सोई है? अब तो विपक्षी दल इस पर सरकारी अपनी रोटी भी सियासी उन्होंने सेकनी शुरू कर दी है, फिर भी सरकार की नींद क्यों नहीं टूट रही इस पर? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।